नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। अयोध्या से पूजित होकर आए पीले अक्षत का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रामगढ़ गांव में भी अक्षत का जोरदार स्वागत किया गया। वीरवार को रामगढ़ गांव में अक्षत कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक चौधरी तेजपाल तंवर ने इस यात्रा की अगुवाई की। यात्रा के स्वागत में लोगों ने जगह जगह पर फल मिठाई बांटकर अयोध्या से निमंत्रण के रूप में आए पीले अक्षत को स्वीकार किया। रामगढ़ में निकली यात्रा का विशेष आकर्षण इस्कॉन मंदिर से कीर्तन मंडली का संकीर्तन रहा। मृदंग, ढोलक और मंजीरे की थाप ने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने परंपरागत परिधान पहनकर वे मांगलिक गीतों से यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए मीडिया समन्वयक अनिल कश्यप ने कहा कि जीवन में बहुत निमंत्रण मिले होंगे, लेकिन जीवन को धन्य करने वाला निमंत्रण पहली बार मिला है। जो भी राम कार्य में कण मात्र भी अपनी भूमिका निभाता है, वह गिलहरी की भांति सदा सवरदा के लिए राम का प्यारा हो जाता है। उनके अनुरूप अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर संकल्प से सिद्धि तक का दुनिया में शंखनाद है। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व विधायक चौधरी तेजपाल तंवर ने उपस्थित राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि 500 वर्षों के बाद लाखों लोगों के बलिदान के बाद यह अवसर आया है कि जब राम लला अपने घर में विराजित होंगे, जीवन में ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने 22 जनवरी को घर घर दीपावली मनाने का आह्वान भी किया है। इस अभियान के सुदर्शन नगर संयोजक सुरेंद्र तंवर ने भी सभी राम भक्तों का यात्रा को भव्य बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर भाजपा नेता धर्मेंद्र तंवर, भाजपा जिला मंत्री किसान मोर्चा मनोज तंवर, कांग्रेस नेता कुलदीप तंवर, जेजेपी नेता कंवर पाल, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर हंसराज तंवर, विजय पटवारी, डॉक्टर रामजी लाल, रामे नेताजी, बालेश्वर साहब, मंगत मेंबर, महेश भगत जी, सरवन वशिष्ठ, महावीर राघव, अंसल एसेंसिया राजेश राघव, गगन गोड, सम्य बोकन, मनीष हरसाणा, कांग्रेस नेता नीर कुमार, जेबी डीलर, नरेश तंवर सहित सैकड़ों पुरुष व महिलाएं व बच्चे इस कलश यात्रा में शामिल हुए। ये कलश यात्रा रामगढ़ में चारों तरफ घुमाई गई, जहां पर जगह जगह पर इसका जोरदार स्वागत किया गया। जय जय श्री राम।